तो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही सही थंबनेल पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देखने आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को पूरा डिटेल और पूरा चीज़ सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग बहुत ही परफेक्ट तरीके से बिल्कुल आप लोग मेरे तरह इस तरीके का हेयर एडिटिंग बिल्कुल फुल एच डी हाई क्वालिटी में फुल। ठीक ना, आप लोगों को फुल एच डी हाई क्वालिटी में पेंसिल को भी चलाना सिखाऊंगा, जिससे कि जो आप लोग का हेयर रहेगा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खतरनाक लुक देगा, जिससे कि आप लोग आप जो का जो फोटो रहेगा बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। ठीक, मैं आप लोग को सिखाऊंगा, मैं जो यहाँ पर जो टेक्सचर दिख रहा है, ये इस सब जो टेक्सचर है मैं कैसे लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लो में लगाया, और इधर देखिए थोड़ा सा हाई, इस तरीके से, जिससे कि जो मेरा हेयर रहता है बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग भी अपने फोटो में कुछ इस तरीके का बिल्कुल खतरनाक तरीके से हेयर एडिटिंग कर सके। आप लोग अपने फोटो में भी अभी आप लोग को दिखाते रहो। ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल लो चला है, और इधर देखिए थोड़ा सा हाई हाई चला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, आप लोग कैसा सेटिंग बनाएगा इस तरीके से चलेगा वही चीज़ सिखाने वाला। तो सबसे पहले हम लोग जिस भी फोटो को हेयर एडिटिंग करना होगा, हम लोग अपने फोटो को स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर लेंगे। तो हम लोग देखिए अपने फोटो को स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में लेकर के आ चुके हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे बिल्कुल सटीक सटीक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप लोग बनाना सीखिएगा। ठीक ना, बनाना सीखिएगा। ठीक, तो अभी आप लोग सिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन पाना होगा। ठीक है, कलर वाले ऑप्शन पा जाने के बाद यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर को ले लेंगे। यहाँ से ब्लैक कलर को लेने के बाद देखिए हम लोग इस वाले ट्रेडिशनल पा सॉफ्ट एयर ब्रश ले लेना है। यहाँ पर सिर्फ डॉट डॉट करना है। ठीक है, यहाँ इसका थोड़ा सा साइज़ हम लोग बढ़ा देते हैं। अभी आप लोगों को पूरा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इससे मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक ना, देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले आप लोग को अपने हेयर में चला लेना है, जिससे कि जो हम लोग का जो ब्रश चलाए वो बिल्कुल ब्लैक कलर में चले। ठीक है, जिससे कि जो हम लोग का हेयर रहेगा बहुत ही सटीक और परफेक्ट परफेक्ट दिखेगा, जब हेयर हम लोग का ब्लैक ब्रश से चला रहेगा। ब्लैक ब्रश से कैसे चला रहेगा वो भी चीज़ आप लोगों को दिखा देना। तो सबसे पहले आप लोग को इस वाले ब्रश को लेना रहेगा स्थेटिक पेंट में। स्थेटिक पेंट में आप लोग इस वाले ब्रश को ले लीजिएगा। इसका सेटिंग भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ जाएगा कि मैं इसका सेटिंग कैसा रखा हूँ। ठीक ना, तो इसका स्क्रीन शॉट आप अगर लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपना ब्रश का सेटिंग बना करके बिल्कुल मेरे तरह देखिए इस तरीके से चला सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को ब्लैक कलर ले करके ठीक ना कुछ इस तरीके से बना लेना रहेगा। बनाने के बाद देखिए हम लोग को ब्रश चलाना किस तरीके से, जैसा हम लोग को हेयर चाहिए, आप लोग को जिस तरीके का हेयर चाहिए। ठीक ना, आप लोग मेरे भाई लोग, आप लोग जिस तरीके का आप लोग को हेयर चाहिए ना, बस आप लोग उसी तरीके से चला लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से चाहिए आप लोग उस तरीके से ब्रश को सिर्फ चलाना रहेगा। देखिए इस तरीके से हम लोग चला ले रहे हैं, और चलाने के बाद अभी आप लोग को फुल एच डी हाई क्वालिटी में भी टेक्सचर कैसे लगेगा, जिससे कि जो हम लोग का हेयर रहेगा बहुत ही सटीक और परफेक्ट दिखेगा। अब हम लोग इस वाले ब्रश का फॉलो को कम कर लेंगे। ठीक ना, फॉलो को कम करके देखिए कुछ इस तरीके से नीचे के सर में चला लेंगे, जिससे कि जो हम लोग का हेयर रहेगा लगेगा कि रियलिस्टिक तरीके से फेस पर गिरा हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से ही, तो यही चीज़ सारा जो तरीका होता है मैं अपनाता हूँ, जिससे कि जो मेरा फोटो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है आप लोगों से। तो आप लोग भी कर लीजिएगा, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। आप लोग सेटिंग वेटिंग जान जाने पर वीडियो को छोड़ देते हैं, और छोड़ कर आप लोग चल जाते हैं सेटिंग बनाने, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप लोग तरीका समझिए कि मैं किस तरीके से करता हूँ, तरीका देखिए, तरीका को सीखिए, तभी आप लोग जान पाइएगा कि हेयर एडिटिंग का राज क्या है। ठीक ना, तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाने बाद, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर एडिटर इसी तरीके से हेयर एडिटिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग अब कॉपी भी करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का रहा, तो आप लोगों का रियल चैनल नहीं है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेस को स्मूथ करना चाहते हैं तो आप लोग फेस को भी स्मूथ कर लीजिएगा। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग को RDS भाई का वीडियो तो आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक, अगर नहीं आता होगा तो आप लोग अगर मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं कि मैं आखिर कैसे फेस को स्मूथ करता हूँ, तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं देखिए अपना जो फेस को स्मूथ देखिए हम लोग, मैं इस वाले ब्रश से भी कर लेता हूँ। ठीक ना, तो मैं आप लोग अगर सीखना चाहता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इस वाले ब्रश से भी फेस को स्मूथ करने सिखा दूंगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हम लोग जो भी, अब यहाँ से पेंसिल लेना होगा तो आप लोग पेंसिल भी ले सकते हैं, या पेन लेना होगा तो आप लोग पेन भी ले सकते हैं। तो आप लोग को पेन का बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, बस आप लोग को क्या करना है ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग को अपना सेटिंग बना लेना है। अब फिर यहाँ देखिए आप लोग को नीचे का भी सेटिंग दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेटिंग बना पाइएगा अपने। यहाँ से इसका भी स्क्रीन शॉट आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर नीब मिल गया। ठीक ना, आप लोग नीब पर भी आकर के पूरा सेटिंग देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे समझ में। यहाँ से भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यहाँ से लेने के बाद देखिए अब आप लोगों को क्या करना होगा,
यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को पूरा परफेक्ट सेटिंग बना दिया हम, बस आप लोगों को बना करके और तरीके से जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से आप लोगों को अपने हेयर में टेक्सचर को लगाना रहेगा ठीक, तभी जो आप लोगों का जो हेयर रहेगा वो सही तरीके से तभी दिखेगा ठीक ना। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या रहेगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा हम लोग। देखिए यहाँ से हेयर को बनाएंगे, कहाँ से हम लोग देखिए इस जगह से हेयर को आप लोग कैसे ब्रश चलाना, इस जगह पर कैसे ब्रश चलाना, अगर ये चीज़ सही तरीके से सीखिएगा तो आप लोग का जो हेयर रहेगा उसमें रियलिस्टिक लुक आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से अगर सेटिंग बनाएगा, देखिए आप लोग एक चीज़ में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत ही कम मतलब थोड़ा सा डाउन में चला है और पतला चला है, और यहाँ से देखिए अब हम लोग को देखिए ऊपर के साइड में मिलाइए, यही चीज़ होता है जो कि मेरे हेयर में बहुत ही परफेक्ट लुक डालता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोटा में चला है थोड़ा सा और लाइटेड चला है ठीक ना, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पतला चला है और कम लाइट में चला है, यहाँ पर देखिए मोटा चला है और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट में चला है, यही चीज़ कहता होगा। यही जितना परफेक्ट सेटिंग हम लोग बनाएंगे उतना, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा सेटिंग बना करके रख दिया हूँ और आप लोग को सिर्फ स्क्रीन शॉट लेकर अपना सेटिंग बनाना और तरीके से जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं बस उस तरीके से आप लोगों को क्या करना रहेगा, बस आप लोग अपने हेयर में जाकर इस तरीके से टेक्सचर को चलाना होगा। बस देखिए चलाना कैसे आप लोगों को पूरा वीडियो देख करके समझना होगा, तभी आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हेयर एडिटिंग कर पाएगा, नहीं तो वही टेढ़ा मेढ़ा कर करके आप लोग भी ये बेकार हो जाता है वैसे फोटो ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से सीखिए, तो देखिए आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोग को चलाते जाना है ठीक ना, इस तरीके से। और देखिए कितना हम लोगों के हेयर में किस तरीके से लुक आ रहा है, तो इसी चीज़ को आपको वीडियो को अच्छे से देखना, अगर यहाँ अगर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो क्यों नहीं सीखिएगा बताइए, आदमी सीखता है तभी कर पाता है ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सीखिए पूरा वीडियो देख करके, तभी आप लोग अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो वही आप लोगों का टेढ़ा मेढ़ा जो हेयर रहेगा ख़राब हेयर एडिटिंग कर लीजिएगा। तो अच्छे तरीके से सीखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को देखिए पूरा चीज़ दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो दे दे रहा हूँ ठीक ना। तो आप लोग तरीका भी बता दे रहा हूँ ठीक ना, सेटिंग भी दे दे रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई नहीं करना है, बस आप लोगों को वीडियो को अगर नहीं समझ में आता बार बार देखिए ठीक ना। मैं ऐसा ही करता था, मेरे को पहले मतलब फेस स्मूथ नहीं करने आता था ठीक ना, मेरे को फेस स्मूथ करने भी नहीं आता था, ब्रश चलाने भी नहीं आता था, आज देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हेयर में ब्रश चला पा रहा हूँ ठीक ना। तो यही कारण है मैं बार बार वीडियो देखता था दिन भर में बता रहा हूँ वीडियो को 3-4-5-6 बार जितने बता रहा हूँ, जब तक नहीं आता तब मैं वीडियो को देखता था फेस स्मूथ करने के लिए, क्योंकि मुझे फेस स्मूथ बहुत अच्छा लगता था ठीक ना। जब फेस स्मूथ आया था तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत बहुत बार वीडियो को देखा करता, दिन भर देखता ठीक ना। तो ये मतलब मैं ये चीज़ आप लोग को नहीं करूँगा, आप लोग दिन भर देखिए, मतलब मेरा कहने मतलब है कि आप लोग देखिए और सीखिए, अगर एक बार नहीं आता तो 2 बार देख करके अच्छे से सीखिए। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने हेयर को इस तरीके से ले आएंगे नीचे के साइड में इसी तरीके से पैटर्न बनाते हुए लेते आना ठीक ना। देखिए इसी तरीके से पैटर्न बनाते हुए लेते आना, जिससे कि जो हेयर में रहेगा वो थोड़ा सा रियल लुक देगा ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से करते आना है, देखिए कितना परफेक्ट हम लोग को दिखने लगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे से सीखिएगा कब, जब आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, तो अच्छे से देखिए अच्छे से सीखिए, मैं बस यही कहूँगा ठीक ना। अगर आप लोग थोड़ा अगर नहीं वैसा कीजिएगा तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सीखने में, सीखिएगा लेकिन टाइम लग जाएगा ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को फेस को स्मूथ कर लेना रहेगा और हेयर को एडिटिंग कर लेना रहेगा। अब आप लोग खुद देखिए कितना परफेक्ट लुक आ गया हम लोग के हेयर में ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर के साइड में टेक्सचर्स को बढ़ा लेंगे, जितना ब्रश चला है देखिए कुछ इस तरीके से, और हम लोग मतलब इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब देखिए अब ये आप लोग मत कहिए कि मैं पूरा हेयर एडिटिंग करके नहीं दिखाया, पूरा हेयर देखिए पूरा हेयर में टेक्सचर लगा करके सिखा दिया। अब आप लोग को मान लीजिए यहाँ पर अगर हेयर कटिंग करना होगा इस जगह पर, तो आप लोग हेयर कटिंग करने के लिए देखिए क्या करना होगा, आप लोग फिर से ब्रश और टूल पाना रहेगा, आप लोग को ब्रश और टूल पाने के बाद देखिए आप लोग स्क्रेच वाला ब्रश लेना रहेगा, ब्रश लेने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से करके आप लोग यहाँ पर भी अपने हेयर में चला सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ठीक ना। तो हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जय श्री राम।